जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और इसके बाद अब जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन चुका है। अब जम्मू कश्मीर विकास की एक नई इबारत लिख रहा है, कैसे आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देश का मुकुट जम्मू कश्मीर अब नए स्वरूप में है। धरती का जन्नत कहे जाने वाला कश्मीर अब विकास की नई कहानी गढ़ रहा है। राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर फुल रफ्तार से दौड़ रहा है। कश्मीर की ये तस्वीरें खुद ब खुद यहाँ के हालात बयां करने के लिए काफी हैं। आपने खुद देखा और रोज ब रोज आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन बेहतरी होती जा रही है हर चीज में, हर शोबे में। ट्रैफिक आप देख रहे हैं सड़कों पर कितना ज्यादा है, ट्रेड बिजनेस वगैरह भी अब ऑलमोस्ट अल्लाह के फजल से सब ठीक चल रहा है। बीते 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य पुनर्गठन का संकल्प पेश किया था। अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। नए कानून के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख भी नया केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले केंद्र सरकार ने काफी सतर्कता बरती थी, यहाँ सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए थे। अब कश्मीर विकास की नई इबारत लिखने को बेताब है। संसद में केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 6 महीने में 34 लाख से ज्यादा सैलानियों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की। 6 महीने में करीब 13,000 विदेशी पर्यटक धरती की जन्नत का दीदार करने आए। कश्मीर के स्कूलों में परीक्षाओं के दौरान 99.7% छात्र उपस्थित रहे। राज्य के ज्यादातर युवा मुख्य धारा से जुड़ गए, जबकि इस दौरान पत्थरबाजी के मामलों में भारी कमी देखी गई। जाहिर है अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर नए जोश और नए इरादों के साथ विकास के रास्ते पर अग्रसर है। आने वाले वक्त में देश का मुकुट नया टूरिज्म हब बनने वाला है। टीम न्यूज नेशन। घुसपैठ के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। आज संसद में अमित शाह ने कहा कि पूरे देश में NRC लागू होगा, लेकिन किसी को डरने की जरूरत नहीं है। NRC आसाम के अंदर NRC की प्रक्रिया हाथ में ली गई एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई है। NRC की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये NRC की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने ऐलान किया कि देश में NRC लागू किया जाएगा। इस ऐलान के बाद असम कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की। उन्होंने कहा है कि देश में NRC लागू किया जाए, लेकिन सबकी सहमति से। देश में NRC को लेकर अब लागू की जा सकते हैं, NRC प्रक्रिया शुरू करो। ये देखिए, ये तो राष्ट्रीय सहमति होना चाहिए। इसमें सिर्फ गृह मंत्री बोलने से नहीं होगा, क्योंकि ये सारे पॉलिटिकल पार्टी सारे स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करके, पार्लियामेंट में बातचीत करके, ये जब राष्ट्रीय सहमति होगा तब हो सकता है। लेकिन हम असम का जो एक्सपीरियंस है, असम का एक्सपीरियंस से हम बोला है जो असम में जो NRC उन्होंने किया है, ये NRC तो ये तो टोटल मैश हो गया, क्योंकि यहाँ में 19.6 लाख लोगों का नाम अभी छूट गया है और वहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा सब इंडियन सिटीजन है। एक एक परिवार का आधा लोगों का नाम आया है, आधा लोगों का नाम नहीं आया है। तो इस हिसाब से जो हरासमेंट हुआ है, ऐसा हरासमेंट नहीं होना चाहिए। अगर सारा देश में करना है, इसको साइंटिफिक वे से करना है, किसी को कोई हरासमेंट नहीं होना चाहिए। इससे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ रवि कांत, न्यूज नेशन, दिल्ली। गांधी परिवार से SPG सुरक्षा हटाए जाने का मुद्दा आज संसद में एक बार फिर से उठा। आज एक बार फिर से सवाल उठाए गए। आज राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया गया, कल लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया गया था, राज्यसभा में आज सुरक्षा के इस मुद्दे पर वार पलटवार हो। मंगलवार को लोकसभा में हंगामा और आज राज्यसभा में कड़ा विरोध। गांधी परिवार से सुरक्षा का SPG कवच हटा तो कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया।
आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सदस्यों ने गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाने का मामला उठाया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार को नेताओं की सुरक्षा पर सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यूपीए शासन के दौरान एसपीजी सुरक्षा जारी रखने की दुहाई दी और गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा बहाल करने की मांग की। ड्रॉल ऑफ द एसपीजी कवर मेक्स देम वल्नरेबल। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स लीडर्स। आई रिमेंबर सर, अलाउ मी टू से सो, व्हेन यूपीए वाज इन ऑफिस, कंसीडरिंग दिस एस्पेक्ट, नो सिक्योरिटी कवर ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ, आई एम नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल पॉइंट, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी फॉर 10 years वॉज नॉट इवन डिस्टर्ब्ड, ऑल अदर प्रोटेक्टीज देयर कवर वॉज नाइदर डिल्यूटेड नॉट विदड्रॉन। प्लीज राइज अबव दैट, रिस्टोर, रिव्यू एंड रिस्टोर। थैंक यू। दैट वुड बी नेशनल इंटरेस्ट, अदरवाइज द इंटेंशन वुड बी क्वेश्चन्ड टुडे, टुमारो एंड इन फ्यूचर। थैंक यू। वहीं गांधी फैमिली से एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि एसपीजी सुरक्षा हटाना गृह मंत्रालय का फैसला है। सर, द सिक्योरिटी हैज नॉट बीन विथड्रॉन, देयर इज नथिंग पॉलिटिकल, राइट? द होम मिनिस्ट्री has got a very set pattern, right? And there is a protocol. This is right. Not done by a politician, it is done right. By the home ministry, right? Thank and you. According to the threat perception, the security thank is given you. And withdrawn, right? Thank you. इन्होंने वो सवाल उठाया था तो फिर मैंने कहा देखिए पहले जो तय करने वाले हैं कि खतरा है कि नहीं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकती, ये तो होम मिनिस्ट्री होती है। होम मिनिस्ट्री का फैसला पसंद नहीं है तो कोर्ट में जाओ। जाहिर है कांग्रेस अपने आलाकमान की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरना चाहती है और इसे बदले की सियासत बता रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इसे सुरक्षा हालातों के मद्देनजर लिया गया फैसला बताया। जिस तरह से दोनों दलों के तेवर हैं, उससे यही लगता है कि आने वाले वक्त में भी इस मुद्दे पर सियासी तकरार जारी रहेगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया था। अब गांधी परिवार को सीआरपीएफ का स्पेशल दस्ता जेट प्लस सुरक्षा मुहैया करा रहा है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।